रूस ने यूक्रेन पर पूरब की ओर से आक्रमण किया और जितने भी पूर्वी हिस्से थे उन पर कब्जा करते हुए वो आगे कीव की ओर बढ़ता रहा, लेकिन पश्चिमी हिस्से में यूक्रेन के जब रूस आक्रमण करता है तो उसके सीधे मायने क्या निकलते हैं, देखिए हमारी रिपोर्ट में। क्या रूस कीव पर कब्जे का नया प्लान बना रहा है? क्या रूस ने कीव की तरफ बढ़ने के लिए नई युद्ध नीति अपनाई है? जेलेंस्की को घेरने के लिए अब पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या पुतिन का नया प्लान वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है? लवीव में एक के बाद एक 6 मिसाइलों से अटैक का मतलब क्या है? क्या कीव पर कब्जे के लिए रूस ने लवीव हवाई अड्डे पर हमला बोला? पुतिन के माथे पर इन दिनों चिंता की लकीरें और चौड़ी हो गई हैं। पुतिन के माथे पर बल इसलिए पड़ रहे हैं कि आखिर वर्ल्ड पावर होने के बावजूद रूसी सेना क्यों कीव पर कब्जा नहीं कर पा रही है। ऊपर से जेलेंस्की जिस तरह से जोश दिखा रहे हैं उससे रूस और ज्यादा चिढ़ा हुआ है और अब उसने यूक्रेन पर उस दिशा से हमला शुरू कर दिया है जिस दिशा से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई हो रही है, जिस दिशा से जेलेंस्की तक मदद पहुंच रही है। पश्चिमी यूक्रेन की तरफ रूस ने हमला बोला है क्योंकि यूक्रेन की ये सीमा नेटो देशों के करीब है। जी हां, रूस की सेना ने पश्चिमी यूक्रेन के लवीव पर एक के बाद एक 6 मिसाइलें दागी हैं। इस तरह से रूस ने लवीव शहर के एयरपोर्ट क्षेत्र में मिसाइलों से दनादन हमले किए हैं। बताया जा रहा है कि रूस ने ये मिसाइलें काला सागर की तरफ से दागी हैं। जैसे ही रूस ने ये मिसाइलें बरसानी शुरू की यूक्रेन ने भी उसकी 2 मिसाइलों को मार गिराया। कीव पर कब्जे के लिए छटपटाते रूस ने कीव के उत्तरी हिस्से में भी बमबारी की है। повинні боротися і ми переможемо. Я знаю це. Я у це вірю. Слава вам. Слава нашим людям. Слава нашим героям. Слава Україні. Заїжджав сьогодні і на блокпости. Не хотів, щоб це було дуже публічно. Просто підтримати наших хлопців, поговорити. Мужні хлопці, веселі, які захищають Київ і знають, що ми переможемо. Відчувається це. Переможемо завдяки тому, як тільки ми, українці, вміємо гуртуватись. Вміємо завжди пам'ятати про своїх. Ек тараф то Зеленський кех рахе хай, ки во Рус се дарне вале нахі хай. पुतिन के सामने सरेंडर करने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ वो नेटो देशों को भी रूस के खिलाफ भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। जिस तरह से रूस ने अब पश्चिमी यूक्रेन पर लवीव में हमले शुरू किए हैं, ऐसे में जेलेंस्की नेटो देशों को चेतावनी दे रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं कि जब रूसी मिसाइलें गठबंधन क्षेत्रों पर भी गिरेंगी। एक तरफ से देखा जाए तो जेलेंस्की का यह बयान वर्ल्ड वॉर को उकसाने की तरफ इशारा करता है क्योंकि इस जंग में नेटो देशों की एंट्री हुई नहीं कि रूस अपने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर देगा। हम आपको बता दें कि यूक्रेन पोलैंड सीमा के पास स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी पर भी रूस ने कुछ दिनों पहले हमला बोला था। रूस की इस गोलाबारी में 35 लोग मारे गए थे जबकि 134 घायल हुए थे। इस हमले के बाद ही जेलेंस्की ने कहा था कि रूस ने महज नेटो सीमा से 20 किलोमीटर दूरी पर हमला किया है। सवाल यह है कि रूस ने पश्चिमी यूक्रेन पर अचानक से हमले तेज क्यों किए हैं? तो इसका अंदाजा दुनिया ये लगा रही है कि रूस के पास गोला बारूद खत्म होने लगा है क्योंकि जंग के खींचते खींचते पूरे 23 दिन हो गए हैं।
लवीव में भी रह रहकर ये एयर रेड सायरन्स एक के बाद एक बज रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि जो युद्ध का खतरा है वो इस पश्चिमी मोर्चे तक भी आ रहा है, लेकिन जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहां पर इस युद्ध की आहट कैसे पहुंची है वो ऐसे समझिए कि लवीव में जब मिलिट्री स्टेशन पर हमला हुआ 35 सैनिकों की जान गई। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना को यूक्रेन पर बढ़त बनाने में अब मुश्किल हो रही है। पुतिन के सहयोगियों ने भी इसे माना है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि रूस का जमीनी हमला तकरीबन रुक सा गया है, जबकि ब्रिटेन के एक रक्षा सूत्र की माने तो यूक्रेन की जंग में रूस के हथियार खत्म होते जा रहे हैं, उसके पास सैनिक कम पड़ते जा रहे हैं और ऊर्जा भी कम हो रही है। लेकिन क्या ये सच्चाई है, क्योंकि रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का जखीरा है और रूस के मुताबिक अभी तक उसने यूक्रेन में अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। अब सवाल यह है कि ये जंग आखिर किस तरफ जा रही है। कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।